यूज ऑफ देयर और इट। ठीक है, बिफोर टेंसेस का ये लास्ट हमने हैज टू हैव टू कर लिया, हैड टू, विल हैव टू, अबाउट टू, लाइकली टू कर लिया, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, वुड हैव कर लिया। अब उसके बाद है यूज ऑफ देयर। ठीक है, देयर का एक सिंपल सा मतलब होता है कहीं किसी चीज के होने या ना होने का जाना करना। ठीक है, किसी भी चीज के, किसी इंसान के, वस्तु के, किसी भी चीज के। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं एक लड़का है। ठीक है, अब अगर हम एक लड़के से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, नहीं बनेगा। अ बॉय इज, अब उसके बाद क्या रखें? ठीक है, गलत है ना सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसों में हम सब्जेक्ट लेके आते हैं, एक लड़के के होने का पता चल रहा है ना, तो क्या करेंगे इंग्लिश, देयर इज ए बॉय। वैसे देयर का मतलब वहां भी होता है, आई एम गोइंग देयर, इज कमिंग फ्रॉम देयर। ठीक है, लेकिन देयर का मेन यूज है कहीं किसी चीज के होने या ना होने का जान पता। मैं कहता हूं जग में पानी है, पानी के होने का पता चल रहा है, तो देयर इज वॉटर इन द जग, इन द जग। कक्षा में 6 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो 6 बच्चों के होने का पता चल रहा है ना, तो देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, इसमें देयर के साथ इज भी आ सकता है, देयर के साथ वाज भी आ सकता है। अगर आप लोग इन फ्यूचर इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट वगैरह पढ़ोगे टेंस को, वो रूल भी अप्लाई कर सकते। ठीक है, जैसे देयर इज ए बॉय, एक लड़का है, देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था, देयर विल बी ए बॉय, एक लड़का होगा, वो विल हेल्प यू। ठीक है, तो हर कंडीशन में देयर के साथ इज, देयर के साथ आर। जैसे मैंने कहा तुम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस पढ़ोगे, कोई भी रूल पढ़ोगे, वो भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस घर में एक लड़का रहता है, तो रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना, तो देयर लिव्स ए बॉय इन दिस हाउस, वहां पे क्या आ जाएगा, देयर के साथ अब एक रहता है, तो इसीलिए लिव्स एस आर एस बन जाएगा, अ बॉय इन दिस हाउस। समझ में आ गया, तो कोई भी टेंस हम इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। समझ में आ गया, अगर मैं कहता हूं उस कमरे में कोई नहीं है, किसी के ना होने का भी तो पता चल रहा है ना, तो उसमें भी देयर, देयर इज नो वन इन दैट रूम। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या कोई है, इज देयर एनीवन, कोई नहीं है, नो वन इज देयर, तो आपको सिर्फ ये देखना है अगर किसी के होने या ना होने का पता चले तो वहां हम देयर का इस्तेमाल। क्लियर, अब रीड करें, देखो यूज ऑफ इट। सबसे पहला रूल मैं इट का आप लोगों को एक चीज बताता हूं, अगर हम टाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर आपको किसी से टाइम पूछना हो तो आप क्या पूछोगे, व्हाट्स द टाइम। ठीक है, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय है। लेकिन जब भी रिप्लाई दिया जाएगा ना टाइम का, मैं कहता हूं 8 बजे, 9 बजे, इट्स 9, क्या बोला जाएगा, इट्स 9 o'clock। टाइम वाले सारे सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे, इट्स से। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि टाइम इतने बजकर इतने मिनट हुए, या इतने बजने में इतने मिनट हुए, ठीक है, 5 या 10 मिनट का कोई भी रेशियो अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो बजकर के लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट। बजने में के लिए क्या यूज करते हैं, टू। जैसे 9:05 और 9:05, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, इट इज 5:09। ठीक है, और अगर
नौ बजने में पांच मिनट, इट इज फाइव टू नाइन, सिंपली समझ में आ गया। बाकी अगर आपको बोलना नौ बजकर बीस मिनट इट्स 9:20, नौ बजकर पैंतीस मिनट इट्स 9:35, ये नहीं कि इट इज 9:35, वो फ्लो में जो चीज चलना चाहिए उसी के हिसाब से बोलना है, क्लियर इतना। तो टाइम वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो हर एक से स्टार्ट होंगे इट से, और टाइम तीन तरह के प्रिंसिपल मॉनिटरी टाइम्स होते हैं। 15 मिनट के लिए हम क्या बोलते हैं, सवा बोलते हैं ना, सवा तीन, सवा चार, सवा पांच, सवा सात। आधे घंटे के लिए हम क्या बोलते हैं, साढ़े। और 45 मिनट के लिए हम क्या बोलते हैं, पौने। लेकिन इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट और क्वार्टर टू। अगर मेरे को बोलना है अभी सवा तीन हुए, इट इज क्वार्टर पास्ट थ्री। अगर मुझे बोलना है अभी साढ़े तीन हुए, इट इज हाफ पास्ट थ्री। और अगर मुझे बोलना है अभी पौने चार हुए, इट इज क्वार्टर टू फोर, पौने चार ना, ठीक है। तो इट वाले सारे सेंटेंसेस मैंने, ये टाइम वाले सभी सेंटेंस किससे स्टार्ट किए मैंने, इट से, क्लियर। दूसरा रूल इट का क्या होता है, फर्स्ट तो टाइम, सेकंड नेचुरल सभी सेंटेंस। देखो प्रकृति से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस अगर हम पूछेंगे, वर्षा होने वाली है इट में रेन, ठीक है, ठंड पड़ने वाली है इट में कूल टुडे, इट में हॉट टुडे, इट में वार्म टुडे, इट में स्नोफॉल टुडे, इट इज अबाउट टू रेन, ठीक है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, ठीक है। तो नेचुरल कोई भी सेंटेंस होगा उसको किससे स्टार्ट करेंगे, इट से, ठीक है। थर्ड, अगर मान लो मुझे इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस, इट इज आई, इट इज ही, इट इज शी, इट इज दे, किसी के बारे में बताते हैं ना ये वो है, इट इज ही, ठीक है, मैं हूं, इट इज आई, तुम हो, इट इज यू, इट इज दे, इट इज देम नी, इट इज हिम नी, सब्जेक्टिव केस, इट इज ही, इट इज शी, क्लियर है इतना। नेक्स्ट, जब भी हम डेज और डेट के बारे में बात करते हैं, भारत कब आजाद हुआ था, इट वॉज 15th अगस्त 1947, तो इट वॉज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होली कितनी तारीख को होगी, इट विल बी, या कौन से बार को होगा, इट विल बी मंडे या इट विल बी फ्राइडे, ठीक है। तो डेज और डेट के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डेट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, ये रूल वैसे प्रोनाउन ऑफ दिस, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं क्योंकि दिस अपने आप में ही प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, द वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, वो वर्ड जो नाउन की जगह यूज होता है। अब जैसे देखो हम पहले सेंटेंस में नाम यूज करते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। अब उसके बाद जब अगला सेंटेंस उनके बारे में बोलेंगे तो ही बोलेंगे, है ना। ऐसे ही जब हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं नेचुरल योगी चीज, जैसे दिस इज अ ट्री, अब इनके इसी पेड़ के बारे में जब और हम डिटेल लिखेंगे, इट गिव्स अस फ्रूट, फ्रूट्स,
शेड्स, टिम्बर, जो भी चीज आगे हम यूज करेंगे वो साथ में इट का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? एनिमल्स और इंसेक्ट्स के साथ इट हैज फोर लेग्स, इट इज एन एंड, बिफोर टेंसेस आपके सारे रोल हो गए, ठीक है। अब कल से हम टेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको पहले पूरा करें सभी रूल्स।